ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने और उसे बचाने के लिए NDPL और IBM ने मिलकर एक पहल की, जिसमें ऊर्जा के क्षेत्र में तेज गति से विकास करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान दिल्ली सरकार और टाटा पावर को ग्लोबल इंटेलिजेंट यूटिलिटी नेटवर्क कोलिजन यानी GIUNC के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर कई टेक्नोलॉजी और पावर सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां भी मौजूद थी। IBM is a technology company and we are a utility. So, दोनों को ही दोनों से सीखना है। जैसे टेक्नोलॉजी कंपनी है, हमारी यूटिलिटी में कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक ना हम उसका डोमेन नॉलेज देंगे, क्योंकि उसका हमारा बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है। इट इज़ वेरी मच नेसेसरी दैट वी रिक्वायर टेक्नोलॉजी, सो वेयर IBM विल ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ IBM एंड IBM विल बी बेनिफिटेड। दरअसल GIUNC ऊर्जा उत्पन्न करने वाली और उसे उपयोगी बनाने वाली कंपनी है, जो IBM की तेज गति से चलने वाले स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर भारत में तेज गति से ऊर्जा के क्षेत्र में नए प्रयोग कर उसे सुरक्षित करने के लिए पहल की है। GIUNC ने अपने साथ 12 देशों को शामिल किया है, इससे आगे भी कई देश जुड़ेंगे। एक्चुअली एक कोलिशन है, IBM हैज एक्चुअली प्रमोटेड इट 2 इयर्स बिफोर। इसमें 12 कंट्री डिफरेंट यूटिलिटीज का इन्वॉल्व है अभी, और फ्यूचर में और भी कंट्रीज के यूटिलिटीज में शायद योगदान करेंगे। इस सम्मेलन में भारत में ऊर्जा के स्रोत बढ़ाने और तकनीकी का सहारा लेकर इसे पूर्ण रूप से किस तरह से बचाया जाए, इस विषय पर भी चर्चा की गई। चित्रा सुनेजा, न्यूज़ पॉइंट, दिल्ली।